आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम कंपेयर करेंगे एसजे सोम आईआईटी बॉम्बे एंड टीएमएस आईआईटी दिल्ली। यस, बोथ ऑफ देम रन एमबीए प्रोग्राम्स एंड अभी बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज उनका एडमिशन क्राइटेरिया निकल चुका है। कैट 2022 के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, फी, प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस एंड इन जनरल एवरी इंफॉर्मेशन। सो पूरा वीडियो देखना एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना बिकॉज ऐसे बहुत सारे वीडियोस आगे आते रहेंगे। सबसे पहले पैसों की बात कर ले, है ना, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसमें इंटरेस्ट है एंड होना भी चाहिए कि आप 2 साल इन्वेस्ट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, प्लेसमेंट रिपोर्ट चेक कर लेते हैं जिससे ये पता चल जाए कि दोनों कॉलेजेस के पास, नॉट कॉलेजेस, बी स्कूल्स के पास क्या है ऑफरिंग्स के लिए। ठीक है, सो लेट मी गो थ्रू द प्लेसमेंट रिपोर्ट। नीचे स्क्रॉल करो, बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी होती है, कुछ चौंकाने वाली भी होती है। जैसे यहाँ पे जेंडर रेशियो है 67:33, ओके, एंड 0 to 12 months का जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे आप देख सकते हो। 29% बैच है। आई एम टॉकिंग अबाउट DMSIIT दिल्ली। एंड स्क्रोल डाउन, एवरेज वर्क एक्सपीरियंस दे है 12 months, 22 months का एक्सपीरियंस। डाइवर्सिटी 18% फ्रेशर्स है सिर्फ। ठीक है, सो यस, वर्क एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को अच्छा चांस है कन्वर्ट करने का। एंड स्क्रोल डाउन, यहाँ पे ना एवरेज कैट परसेंटाइल दिया है विच इज इक्विवेलेंट टू कट ऑफ बट नॉट एग्जैक्टली कट ऑफ। ठीक है, बट 96-97 के ऊपर ही होगा। 98.7% फॉर फ्रेशर्स एंड 98% ओवरऑल, है ना। एंड ये है प्लेसमेंट स्टैट्स, बट उसके पहले यहाँ पे एसजे सोम की रिपोर्ट भी खुल चुकी है। यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं। 87% ऑफ द बैच हैज़ वर्क एक्सपीरियंस। एवरेज वर्क एक्सपीरियंस 23 months का है। एवरेज इज 24। एवरी थिंग इज हेल्दी एज ऑफ नाउ। एंड नीचे स्क्रोल करोगे तो डोमेन वाइज स्प्लिट, इंजीनियरिंग स्प्लिट, एवरी थिंग इज गिवन, है ना। एलिजिबिलिटी में बहुत सारा डिफरेंस है जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। अभी बात करते हैं वही पैसों की, कि एवरेज सैलरी क्या है, मीडियम सैलरी क्या है, हाईएस्ट सैलरी क्या है। दोनों इंस्टीट्यूट्स में या फिर बी स्कूल्स में एक चीज़ दी जाती है जो यूनिक है, वो भी बात करेंगे। हाईएस्ट CTC ऑफर 36.7 लाख इन IIT दिल्ली। एवरेज कितना है, दैट इज मीन CTC 21.9 लाख, ऑलमोस्ट 22, मीडियम 20.6 लाख एंड मीन CTC दैट इज एवरेज सैलरी ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो अभी स्टूडेंट्स, नॉट स्टूडेंट्स, बी स्कूल्स ऐड करने लगे हैं। यहाँ पे 21.9 लाख है। अभी एसजे सोम की बात कर लेते हैं। एसजे सोम IIT बॉम्बे, हाईएस्ट सैलरी 49 लाख, यहाँ पे बीट कर दिया IIT दिल्ली को। एवरेज CTC एज वेल एज मीडियम CTC में भी बीट किया है, 25.9 लाख एंड मीडियम CTC 25.8 लाख। एंड अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो हाईएस्ट सैलरी देखो 32.8 लाख, एवरेज CTC 29.8 है। नॉर्मल जो एवरेज है बैच का उससे भी ज़्यादा है, मीडियम 28.4। सो वेरी हेल्दी नंबर्स। एंड PPOs का नंबर दिया है 65, सो आधे से ज़्यादा बैच को PPOs भी मिले हैं, है ना। सो स्टैट्स में तो ये समझ में आता है कि एसजे सोम हैज़ एन एज बिकॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सामने सामने नंबर्स है हमारे, है ना। और नीचे और भी इंफॉर्मेशन दी है कि कौन से डोमेन में प्लेसमेंट हुई है, रिक्रूटर्स कौन है, वो तो आप आराम से जाके पढ़ लोगे, है ना, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन तो वैसे मैंने कंपाइल करके रखी है mbkarlo.com पे, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो होम पेज पे जाके DMSIIT दिल्ली, एसजे सोम IIT बॉम्बे, आराम से जाके चेकआउट कर लेना पूरी इंफॉर्मेशन। और ऐसे ही कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन पूरे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये तो बात हो गई भाई पैसा कितना मिलेगा। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, है ना, बिकॉज यहाँ पे आपको DMSIIT दिल्ली में दो प्रोग्राम्स देखने मिलते हैं, MBA एंड MBA टेलीकॉम। एंड अगर हम बात करें एसजे सोम की तो यहाँ पे आपको रेगुलर MBA प्रोग्राम देखने मिलता है। ठीक है, दोनों के एलिजिबिलिटी में डिफरेंस है। यस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर अप्लाइंग। सो लेट मी गो टू द MBA प्रोग्राम डिटेल्स फॉर IIT दिल्ली। आप यहाँ पे देख सकते हो एलिजिबिलिटी में, सो द कैंडिडेट्स हैविंग फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, बैचलर्स डिग्री, है ना, नॉर्मल बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। एंड आपका जो एग्रीगेट होना चाहिए हर सेमेस्टर में, हर साल में, वो 60% का होना चाहिए। यहाँ पे 4 ईयर का जो कंपलसरी डिग्री कोर्स है, जो टेन्योर होता है, ऐसा कुछ एप्लीकेबल नहीं है।
वेयरएज आप यहाँ पे आओगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे है, इसलिए इट इज रिकमेंडेड कि पहले आप एडमिशन टीम से बात करो, एलिजिबिलिटी को इन डेप्थ समझो, देन अप्लाई करो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 ईयर की डिग्री होनी चाहिए या फिर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, एंड अगेन 60% का क्राइटेरिया है, 5% रिलैक्सेशन दोनों ही वी स्कूल्स में है फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स, एंड एप्लीकेंट्स जो फाइनल ईयर में वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर ये 60% का क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं। दिस इज कॉमन टू बोथ द IITs, CA, CS, CFA, ICW और FRM स्टूडेंट जो बैचलर्स डिग्री में फर्स्ट क्लास भी आए हैं, अगेन वो सेम क्राइटेरिया 60% वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सो एलिजिबिलिटी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर आप अप्लाई करके फंस जाओगे। फी की बात करें तो IIT दिल्ली की जो फी है 10.40 लाख की है, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज प्रोग्राम फी फॉर 2 ईयर्स, 4 सेमेस्टर्स, है ना। सो एंड SJSOM की भी सिमिलर रेंज में है, ठीक है, वो आप यहाँ पे चेक कर पाओगे, यहाँ पे दी है फी इंफॉर्मेशन ट्यूशन एंड फी में, तो दोनों की इन्वेस्टमेंट लगभग सिमिलर है, ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। लास्ट डेट टू अप्लाई यहाँ पे 31 जनवरी है, कट ऑफ यहाँ पे स्पेसिफाई किया है SJSOM की वेबसाइट पे, ठीक है। सो IIT बॉम्बे के लिए मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज, जो ये मिनिमम इन द सेंस एक कुछ कट ऑफ नहीं है, ये जो प्रिलिमिनरी राउंड होता है जहाँ से आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाले हो, वो कट ऑफ दिया है सेक्शनल एज वेल एज ओवरऑल, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सिलेक्शन कौन से बेसिस में होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट SJSOM IIT बॉम्बे, 70% वेटेज टू कैट 2022, 30% ओवरऑल प्रोफाइल एंड परफॉर्मेंस इन पर्सनल इंटरव्यू, सो ऐसे डिवाइड किया गया है, एंड इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन नीचे तो दी है, ठीक है। एंड यहाँ पे सेम चीज़ आप देख सकते हो, सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी दी है, अगर आपको कोई डिटेल्स मिसिंग लगती है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, डायरेक्टली एडमिशन कमिटी से बात कर लो, चीज़ें क्लियर हो जाती है, इट इज़ नॉट अ बिग डील, है ना। सो MBA टेलीकॉम की फीस कम है इन कंपैरिजन, आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वहाँ पे भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको देखने मिलेगा, तो लेट मी स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे देख सकते हो 8.80 लाख की फी है। इनटेक की बात करें जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है SJSOM IIT बॉम्बे में 150 तक का इनटेक स्पेसिफाई किया है वेबसाइट पे, एंड अगर हम DMS IIT दिल्ली की बात करें, आर्टिकल विजिट करोगे तो आपको इनटेक मिल जाएगा, ठीक है, 100 100 120 के आसपास इनटेक रहेगा, सो गुड कि इनटेक भी कंट्रोल्ड है। टू मेक इट थ्रू इज़ अ डिफिकल्ट टास्क, बट येस इफ यू मेक इट थ्रू देन आप देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्टैट्स का जो संगम है वो बहुत ही अलग लेवल का है ना। सो हमने डिस्कस कर लिया है इनटेक क्या है, फी क्या है, प्लेसमेंट्स के बारे में, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ 97% कैट में है, तो डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ अप्लाइंग। बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप करंट स्टूडेंट से बात करके निकाल सकते हो कि भाई मेरा इतना परसेंटाइल है 96 95, तो ऐसे केसेस में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सब आपको बता देंगे, ठीक है। सो यू शुड गेट इन टच विद द एडमिशन कमिटी फॉर श्योर। सो आई होप ये कंपैरिजन आपको पसंद आया होगा, इस बार मैंने वेबसाइट्स में जाके कंपेयर किया है डायरेक्ट जहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। नेक्स्ट टाइम लेट मी नो वेदर यू वॉन्ट अप्रोच इन अ प्रेजेंटेशन और ऑन द MBA कर लो वेबसाइट, ठीक है। सो विल डू वॉट एवर इज ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, फाइन। सो गो अहेड चेकआउट द इन्फॉर्मेशन एंड लेट मी नो वॉट कॉलेजेस शुड आई कंपेयर नेक्स्ट, एंड ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इतने सारे टैब्स मिल जाएगी, आराम से जाके चेक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज कीप दैट स्माइल अप।